दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NTR कोचिंग क्लासेस में। मैं राज मिश्रा, आज आपके लिए क्या एक नया टॉपिक जिसका नाम है जल की कठोरता दूर करने की आयन विनिमय विधि, जो कि आप थंबल पे पढ़ चुके हैं। चलिए देखते से लेते कैसे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो के लिंक सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते से लिखते कैसे बहुत आसान तरीके से। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये पहले नंबर हेडिंग वाली जल की कठोरता दूर करने की आयन विनिमय विधि, इसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, यह कठोर जल को मृदुकरण की आधुनिक विधि होती है। यह कठोर जल की मृदुकरण की आधुनिक विधि होती है। यह जल के कठोरता को भी दूर करने में काम आती है। ओके, इस विधि के लिए कुछ विशेष पदार्थ विकसित किए जाते हैं। इस विधि को करने के लिए कुछ विशेष पदार्थ बनाए जाते हैं जिन्हें आयन विनिमय रेजन कहते हैं। इस विधि का लाभ जो है यह है कि इसके द्वारा कठोर जल में उपस्थित अशुद्धियों को भी हटाया जा सकता है। इसके द्वारा जो मतलब कि कठोर जल में अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन्हें दूर करा जा सकता है। इस विधि में दो प्रकार के रेजन प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि में यानी कि दो और हैंडगे, यानी कि ऋणायन विनिमय और धनायन, ये दो हमारे मतलब दो रेजन हैं जिनके द्वारा हम लोग इस विधि को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जल को कठोरता को दूर कर सकते हैं। ओके, देखिए कितना सिंपल, बस ये कुछ ही देर का था, आपको आसानी समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा था अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हर वीडियो के लिंक से पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में।